अब्बू का उनका मतलब रो भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहा था लो, बहुत ज़्यादा। अब्बू ही थी जो लेबर में काम करके मतलब खर्चा चलाते थे, या हम लोग को पढ़ाई लिखाई का सब वही करते थे, और कोई नहीं है। सरसों के लेकर चोरी का इल्जाम लगा दिए थे, जो सरसों सिर्फ अभी काट के खेत में ही रखा गया था उसी के लिए। इस वक्त समय सिवान की टीम सिवान मुख्यालय के फतुलही गांव में है। ये जो घर दिख रहा है, ये जो एक झोपड़ी नुमा आशियाना दिख रहा है, ये आशियाना अलाउद्दीन अंसारी का आशियाना है। वो अलाउद्दीन अंसारी जिनकी हत्या आज से ठीक 4 दिन पहले गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा कर दी गई थी। अलाउद्दीन अंसारी का ये छोटा सा परिवार है, 2 बच्चियां हैं और एक छोटा बेटा है, जो दोनों लड़कियां अभी पढ़ाई कर रही हैं। अलाउद्दीन अंसारी की पत्नी बेवा हो चुकी हैं, बच्चों पर से जो पिता का एक साया होता है वो साया भी अब उठ चुका है। सरसों के लेकर चोरी का इल्जाम लगा दिए थे, जो सरसों सिर्फ अभी काट के खेत में ही रखा गया था उसी के लिए। कैसे क्या हो गया? शाम को अम्मी को मार दिए थे लो, तो हम लोग बोले कि केस करेंगे, कुछ लोग बोले पंचायत से बिटराएगा, तो सुबह में कुछ लोग आए थे मतलब 2 आदमी और कुछ लोग नहीं आए थे। सुबह का टाइम था 6:30 बजे, मतलब आए नहीं थे, मतलब वो टहलने आए थे, तो अम्मी बातचीत कर रही थी कि मतलब पंचायत होगा, तब तक उन लोग के सामने ही अम्मी को मारने लगा लो। उसके बाद अब्बू वहाँ लेदी काट रहे थे उनको लेकर, तो जब अब्बू अम्मी चिल्लाए लो तब हम लोग गए लो, तो हम लोग को इसका दुपट्टा ऐसे कस दिया था भी। अब्बू का उनका मतलब रो भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहा था लो, बहुत ज़्यादा। और हम लोग को हम शाम को धमकी दिया था लोग कि पैसे से फूंक देंगे और तुम लोग को उठा लेंगे, हम दोनों बहन को। सरसों के लिए सब हुआ था? हाँ, क्या मतलब तीन चार साल से बटैया हम लोग बो रहे थे, जो 3 कट्ठा या 4 कट्ठा के भी बते हैं। पहले भी कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था, कुछ कहा सुनी हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मारने में कौन कौन लोग थे पिटने में? रंगनाथ चौधरी, राम इकबाल चौधरी, बिक्की चौधरी और उनके घर के जो 3 औरत लोग हैं। अच्छा, सभी मार रही थी। क्या नाम है आपका? खुशबू खातून। अच्छा, अभी आप पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में है? ग्रेजुएशन पार्ट 2 में। हाँ। अच्छा, ये उनकी बेटी हैं? कौन से कॉलेज में? अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हिना खातून। कुछ कहिएगा सर, हमरा नहीं है शक्ति कहे के कुछ, हमरा शक्ति नहीं है। हाकिम लोग देखो था जे सजाए दी, जो कैले बड़ा सहन उगनी के सजाए दी, ओकरा से का कहम रुआ? इंसाफ मांगेम नु? हमरा इंसाफ ही चाहिए आ सजा चाहिए। हमरा तो लोग सजा दिए, हम गरीब आदमी बनी तो हम का कर सकते हैं? सरकार से भी कुछ कहता नहीं, सरकार से भी कुछ मांगता नहीं। घर में और कोई कमाए वाला नहीं थे? ना, हमरा के उन्हें के कमाए एगो लड़की को नु बारा वो छोट बलई का हमरा। अच्छा, सबसे छोटा पर? हां, छोटा। 3 गो लड़की बड़ी सन है। अब्बू थे, अब्बू ही थी जो लेबर में काम करके मतलब खर्चा चलाते थे, या हम लोग को पढ़ाई लिखाई का सब वही करते थे, और कोई नहीं है। तो ये जो तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, अलाउद्दीन अंसारी का ये घर, उनकी पत्नी और ये 2 बेटियां, और वहाँ ठीक सामने ये वो चूल्हा जो आज 4 दिन से सूना पड़ा है। अलाउद्दीन अंसारी का ये परिवार, उनकी 2 पुत्री, ये देखिए उनका घर। इस घर की तमाम खुशियों को
तमाम उम्मीदों को कुछ वहशी दरिंदों ने तहस नहस कर दिया। हम देखिए, अब जब अल्लाह ताला ऐसा हादसा पेश किया ना, तो रहमत का भी रास्ता वही पेश करेगा। हादसा है ना, चोट लगी आपको? कुछ दवा वगैरह खा रही है? कुछ दवा खा रही है? अरे बाबा, सुखना नहीं खा रही है? आपको भी चोट लगी है? पूरा पीठ में दर्द, इसका दुपट्टा ऐसे कस दिया था तो हाथ में, पीठ में। छोड़ दो। स्क्रीन पर अभी आपको शिवधारी दुबे दिख रहे हैं, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विदु शेखर पांडे जी दिख रहे हैं, डॉक्टर ख्वाजा एहतशाम साहब दिख रहे हैं, और उनके ठीक पीछे ये दो बच्चियां हैं, दो बेटियां हैं अलाउद्दीन अंसारी की, जो जिन्हें आप देख पा रहे हैं। बहुत मार्मिक ये दृश्य लगता है जब इस बात को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलाउद्दीन अंसारी की पत्नी, जिनकी दुनिया को वीरान कर दिया गया है, वो भी यहाँ पर है, और इस तमाम जिला कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने आर्थिक रूप से 25,000 रुपये की एक सहायता दी है, और इस बात का आश्वासन दिया है कि जब तक जितना हो सके ये परिवार के साथ खड़े हैं और भविष्य में भी इनकी हर स्तर से मदद करेंगे। तो जल्दी जल्दी में बहुत कुछ तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी आपस में जो कुछ हो पाया, ये लगभग 25,000 रुपया है। ये तत्काल आपके काम लिए होगा। जो भी आपकी ज़रूरत है, इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद से कुछ नहीं है। हम लोगों का मोबाइल नंबर भी आप रख लीजिए बेटा, आप नंबर नोट कर लो। ऐसा मने अन्याय हमको नज़र कहीं नहीं आता है। जैसा ही बच्ची और औरत लोग बता रहा है, सरसों सरसों रह गया, खेत खेत रह गया, और इनका जो कमासुत सवांग था वो चला गया। ये बहुत ही अनुचित है, और हम एक ही मांग करेंगे कि सरकार इन्हें समुचित मुआवजा दे, और बच्चियों को कम से कम इम्प्लॉयड करे, ये शादी ब्याह में इस औरत को मदद मिल सके। और ये त्रासदी है समाज के लिए, इंसानियत शर्मसार हुई है, और किसी भी परिवार में अगर किसी को दर्द होता है तो दर्द की दवा दी जाती है, और दवा तो जो दवा और दर्द की बात होती है तो सिर्फ इंसानियत की बात होती है, तो जो भी यहाँ पर सहायता राशि है वो इंसानियत के मद्देनज़र है। और यह पूरी घटना यह साबित करती है कि अभी यहाँ पशुता समाप्त नहीं हुई है। यह परिवार एक भूमिहीन परिवार है, मेहनत मजदूरी करके दूसरे के खेत को बटाई जोत कर अपने परिवार का भविष्य सुधारने में यह परिवार लगा हुआ था, और झूठे आरोप लगाकर या किसी दूसरे प्रकार के बैर को सधाने के उद्देश्य से इस घटना को अंजाम दे दिया गया, और इतनी क्रूरता कि पत्नी और बच्चों के सामने उसे पीटा गया, और प्राण निकल जाने के बाद भी लोग मारते रहे, यह है तो जघन्यतम घटनाओं में से एक है, और इसके लिए सामाजिक रूप से देश को शिक्षित करना होगा, और ऐसे मामलों में केस का ट्रायल जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल करके 3 से 4 महीने के अंदर सरकार को दोषियों को सजा दे देनी चाहिए, जिससे ये जो घनत्व है और जो जाति आधारित जो विषमताएं हैं और उसके कारण जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं पर अंकुश लग सके।
ऐसे जघन्य अपराध को सबसे पहले तो मैं दोषी पुलिस प्रशासन को देंगे कि यहाँ कोई खौफ नाम का चीज़ नहीं, पुलिस प्रशासन और महकमा का खौफ होनी चाहिए जो कि ऐसे घृणित काम हो रहा है। हम तो सरकार से मांग करेंगे कि स्पीडी ट्रायल चलाया जाए, 6 महीने के अंदर ऐसे जघन्य अपराध को सजा दिलवाना के काम किया जाए। और दूसरा काम, जब ये सरकार मुस्लिम और दलित की बात करती है तो क्यों नहीं इन लोगों को नौकरी दिया जाए, मुआवजा दिया जाए इन लोगों को, और सुरक्षा की मांग करेंगे कि जो इस तरह, मुझे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत इस तरह, जिस तरह में 6 बजे समय में कोई विवाद तो नहीं था, जब विवाद नहीं था तो फिर आके मारा गया, फिर उसके बेटे को भी मारा जा रहा, उसके सामने मारा जा रहा, तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी 1% चिन्ह उठा था कि आपकी खौफ नहीं है। अगर आपकी खौफ रहती तो इस तरह के जघन्य घटना नहीं घटती है। तो इसलिए हम प्रशासन से, सरकार से मांग करते हैं कि सुरक्षा का मांग, सुरक्षा दिया जाए और दूसरा काम इसको स्पीडी ट्रायल चलाया जाए। देखने वाली बात होगी कि इस मामले में गिरफ्तारियां हुई है, आगे इस परिवार का क्या भविष्य होगा। अगर इस इनके परिवार के भविष्य की बात की जाए तो निश्चित तौर पर जो परिवार वालों का मांग है और जिला कांग्रेस कमेटी की जो मांग है कि इन बच्चियों को, पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं, पढ़ी लिखी बच्चियाँ हैं, इनको कहीं ना कहीं सरकार के स्तर से इनको नौकरी दी जाए और इनके परिवार के भविष्य को लेकर के जो सरकार के स्तर से जो कुछ भी मदद की जा सकती है इस परिवार को दिया जाना चाहिए।